नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय गणपत बिघा में कई वर्षों से यहां एक ही टीचर कार्य कर रही है। सरकार के अधिनियम के अनुसार 30 बच्चे पे एक टीचर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा स्कूल में क्या टीचर है? हमारे स्कूल में दो टीचर है, पर एक दूसरे स्कूल से आए हैं, वो कभी भी जा सकते हैं। तुमको स्कूल में एक टीचर है, तो तुमको क्या क्या पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? हमें पढ़ाई में मतलब एक ही रूम में पढ़ाया जाता है, पहले को पढ़ाते हैं, फिर दूसरे को दिक्कत होता है, दूसरे को पढ़ाते हैं, तो तीसरे को ऐसे समझाने में दिक्कत होता है और कुछ ना समझ पाते हैं। इस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? इसमें टोटल 109 विद्यार्थी। टीचर की कमी से बहुत दिक्कतें आती है हम लोग को। अब वन का कवर करते हैं तो 2, 3, 4 मैनेज नहीं कर पाते हैं हम लोग को। कुछ बच्चे बैठे रह जाते हैं, अगर टास्क हो गए तो ठीक से बना नहीं पाते हैं। सर, आप ये बताना चाहेंगे कि आपके अनुसार इस विद्यालय में कितने टीचर होने चाहिए? यहाँ तो ऐसे 4 टीचर होना चाहिए विद्यार्थी के अनुसार। तुम अपने विद्यालय के लिए क्या चाहते हो? जल्द से जल्द टीचर सर, तब सब बच्चों को पढ़ाई होगा सर। टीचर आना बहुत जरूरी है, कि अगर टीचर रहेंगे तभी तो समझाएंगे, बुझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर टीचर ही ना रहेंगे तो क्या कौन समझाएगा? इसलिए हम लोग को टीचर सरकार जल्दी जल्दी भेजे, इसलिए हमारा बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो गणपतबीघा स्कूल में जो छिछका नहीं है, इस विद्यालय में छिछका टीचर आए और इस तरह के समस्या नहीं हो सके। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिसका मोबाइल नंबर 99 39 71 27 41 पर संपर्क कर मेरी मदद करें और इन पर दबाव बनाएं। मैं मोहम्मद मिस्टर आलम, नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के गणपतबीघा से, इंडियन हट के लिए।